नमस्कार दोस्तों, ए के वी टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम जो बताने वाले हैं वो इंडक्शन चूल्हे के ऊपर में है, ठीक है। इंडक्शन चूल्हा जो होता है दोस्तों, अगर इसे आप पूरी तरह से बनाना सीखना चाहते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए 100% है दोस्तों। इस वीडियो की मदद से आप 99% जो है फॉल्ट फाइंडिंग आप पूरी तरह से सीख जाएंगे और इंडक्शन को बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो है, एक वीडियो में ये कवर होने वाला नहीं है, कम से कम इसका जो है 5 वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें ये सारा फॉल्ट फाइंडिंग आपको समझ में आ जाएगा। और 100% मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, आप किसी भी फॉल्ट को आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग तो जानते होंगे इंडक्शन के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो सारा पार्ट जो है हम यहाँ पे खोल कर रख लिए हैं, ठीक है। एक जो फैन था वही मैं जो है खोल नहीं पाया, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। तो हम लोग पहले इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इंडक्शन शॉर्ट सर्किट होता है और मतलब बंद हो जाता है, ठीक है। तो हमें सर्किट में कहाँ पे चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा, वो हम लोग पहले आज समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक फ्यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें फ्यूज को चेक करना है कि ये फ्यूज जो है कटा हुआ है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 230 वोल्ट जो एसी है वो यहाँ पे जाता है, ठीक है। एक न्यूट्रल और एक फेज, ठीक है। तो ये जो जब यहाँ पे हम लोग डालते हैं तो ओवरलोड होने की वजह से या तो कुछ आईजीबीटी खराब होने की वजह से क्या होता है कि ये जो फ्यूज है वो हमारा उड़ जाता है। तो उड़ जाता है तो दोस्तों हमें ये नहीं कि फ्यूज को हमें फिर से लगा देना है, ठीक है। ये उड़ने का कारण को हमें पता करना है कि फ्यूज उड़ा क्यों, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए फ्यूज का जो कनेक्शन है दोस्तों यहाँ से आया, ठीक है। ये जो टर्मिनल देख रहे हैं आप एसी का, उससे यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज यहाँ पे आया, ठीक है। इससे होता हुआ डायरेक्ट ये दोस्तों देखिए ये यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कंटिन्यूटी हम लोग को चेक करना है, ठीक है। इस डायोड की कंटिन्यूटी हम लोग चेक करेंगे मीटर से, किस तरह से रीडिंग बता रहा है। तो हम लोग पहले चेक करना सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए सर्किट को हम इस तरह से पलट दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिख रहा होगा, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। डायोड का जो 4 पॉइंट है ये हमारा, ठीक है। तो हम लोग पहले कंटिन्यूटी में इसे लगाएंगे, मीटर को कंटिन्यूटी में लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पहले आपको ट्रेस कर लेना है कि यहाँ पे जो 2 पॉइंट आपको दिख रहा होगा, सेंटर वाला पॉइंट, ये हमारा इनपुट है, ठीक है। डायोड में, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड में 2 जो सेंटर है वो हमारा इनपुट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव वाले प्रोब को रखेंगे और नेगेटिव वाले को बारी बारी से आउटपुट पे चेक करेंगे। आउटपुट हमारा कौन सा है, लास्ट वाला जो देख रहे हैं डायोड का जो लास्ट वाला पिन है ये, और फर्स्ट वाला जो पिन है ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। इसमें कोई एक माइनस हो सकता है, कोई एक प्लस हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पे सेंटर वाले पिन, एक पिन पे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और बारी बारी से आउटपुट में चेक करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव में। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा एक तरफ से शो करे, एक तरफ से नहीं करेगा। तो यहाँ पे अभी हमारा शो नहीं कर रहा, और जब हम दूसरी तरफ से इसे चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा शो करेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो मीटर रीडिंग दे रहा है दोस्तों 490 और 500, ठीक है। तो ये रेंज हमारा सही है डायोड के लिए, यानी कि डायोड हमारा सही है, ठीक है। तो इधर से देखिए शो नहीं कर रहा, उसी तरह से हम ये दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी उसी तरह से शो करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा, अब जब हम उल्टेंगे प्रोब को तो ये शो करेगा, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि ये भी हमारा जो पॉइंट है, ठीक है। तो इससे हम लोग समझ गए कि ये डायोड जो है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो है वो हमारा ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, उस शॉर्ट सर्किट को फाइंड आउट करने के लिए हम इससे आगे बढ़ेंगे, यानी कि डायोड में जो दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर डायोड में आप देखे होंगे कि एक तरफ जो है कट का निशान होता है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये कट का निशान है, यानी कि ये वाला जो पिन है दोस्तों ये हमारा पॉजिटिव है, और कट के अपोजिट में यहाँ पे जो लास्ट वाला पिन देखेंगे ये नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को हमें चेक करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखे होंगे यहाँ पे एक IGBT इस तरह का लगा हुआ होता है, बड़ा सा ट्रांजिस्टर, ठीक है, इसे IGBT बोलते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये शॉर्ट होने का कारण जो है यही होता है, या तो आपका ये ब्रिज रेक्टिफायर खराब है या तो IGBT खराब है, ठीक है, शॉर्ट होने का दो ही मुख्य कारण है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो फाइंड आउट कर लिए ये ब्रिज रेक्टिफायर हमारा ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो आउटपुट यहाँ पे निकला है दोस्तों पॉजिटिव सप्लाई इसका, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर से, वो हमारा सीधा गया है IGBT में, ठीक है। तो IGBT में गया है, डायरेक्ट इसमें गया है, यानी कि मेन पावर हमारा इसमें जा रहा है, यानी कि हमारा शॉर्ट सर्किट होने का कारण ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो तीनों पोल हैं दोस्तों ये तीनों पोल को काट कर अलग कर लेंगे, काट कर अलग करने के बाद हम इसे चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये शॉर्ट है। तो हम लोग पहले आपको मैं दिखा देता हूँ IGBT कैसा होता है और उसे टेस्ट कैसे करते हैं। तो ये रहा दोस्तों ये IGBT, ठीक है। तो IGBT को हम लोग किस तरह से चेक करेंगे वो हम लोग पहले सीख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अधिकतर जो केस है दोस्तों इसी का आता है, अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो यही हमारा ख़राब होता है, ठीक है। तो इसे कंटिन्यूटी के रेंज में हम लोग लगाएंगे, और मीटर को जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे इसे अपने अपने तरफ करने के बाद ये इसका मुंह जो है अपने तरफ कर लीजिएगा, और यहाँ पे जो लेफ्ट वाला जो पिन है उस पर हम लोग ऐसे रखेंगे, और बारी बारी से पॉजिटिव वाले पिन से चेक करेंगे, मीटर का पॉजिटिव वाला पिन जो है तो वहाँ पे रीडिंग आपको नहीं शो करेगा कुछ भी, ठीक है। और उसी तरह से इसे भी हम चेक करेंगे, पॉजिटिव वाले पिन को हम लोग लेफ्ट वाले पिन पे रखेंगे, ट्रांजिस्टर के लेफ्ट वाले IGBT के लेफ्ट वाले पिन पे, और इससे बारी बारी चेक करेंगे, तो यहाँ पे कुछ शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से IGBT को चेक किया जाता है, और हम लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे रेड वाले को राइट में रखेंगे और सेंटर में ब्लैक को रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो शो करेगा 465 या 500, ठीक है। तो समझ लीजिए IGBT हमारा ठीक है, और इधर से जब चेक करेंगे तो इधर से शो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मीटर में हमारा रीडिंग कहाँ से बताया दोस्तों, IGBT के राइट और सेंटर वाले पिन से, ठीक है, और जो हमारा पॉजिटिव पिन है वो रहेगा राइट साइड में और सेंटर में रहेगा ब्लैक पिन, ठीक है। तो यहाँ पे शो करेगा, तो हम समझेंगे कि IGBT हमारा सही है। और अगर हम जब चेक करेंगे दोस्तों, अगर ख़राब होगा तो क्या होगा, यहाँ जब चेक करेंगे तो ये रीडिंग जो है पूरा हाई बताएगा और जो बीप मारने लगेगा इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे जीरो बताएगा और इस तरह से बीप मारेगा, ठीक है, सारा पिन में। तो समझ जाइए कि IGBT हमारा जो है वो शॉर्ट है। तो ये जो मेजर फॉल्ट है दोस्तों इस सर्किट का मेजर फॉल्ट जो है वो यही है, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे दोस्तों और कहाँ कहाँ पे हम लोग, अगर सेट हमारा पूरा डेड हो जाता है तो और हम लोग कहाँ कहाँ पे चेक करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ इंडक्शन को ठीक करने का, ठीक है, अगर फ्यूज उड़ता है तो उस कंडीशन में हम लोग कहाँ कहाँ चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करेंगे, फिर IGBT को चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे वो आप अगले वीडियो में देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।